हाँ जी दोस्तों, इस वक्त मैं गल कर रहा जगन्नाथ रथ यात्रा दे फाउंडेशन वालों एक स्पैशल थाली मिलती है, रोटी का एक पूरा पैकेज मिलता 10 रुपए के अंदर अंदर, जिद कि लेबर क्लास जो लोग आ 10 रुपए के पर पेट खा सकते हैं। सो इस वक्त मैं खड़ा बहादुर के रोड दाना मंडी जिथे कि यह बूथ लगा आ, तो आप गलबात करते हैं इन्होंने। हाँ जी, किमें हो सर? ठीक है जी। की नाम थोड़ा? नरेश चंद्र जी। नरेश चंद्र जी, हाँ जी। किन्ना टाइम हो गया इतने बूथ लगते? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए, हाँ जी। सो रोज किन्ने बजे ओपन होता थोड़ा बूथ? 11:30 पौने 12। किन्ने बंदे खा जाते? 900 बंदा खा जाते। सो हुण आपां दोस्तों गल करदे आ दर्शन लाल लड्डू जी नाल, जिन्हां ने कि समाज सेवा दे कई काम किए ने। सो 10-10 रुपए जो रोटी दे कार्य हो रहे, इन्हां विच वी इन्हां दा काफ़ी योगदान आ। सो किवें हो सर? इदां मैं दर्शन लाल लड्डू, बहादुर के रोड दाणा मंडी दफ्तर आ मेरा। मेरे कोई भी आ जाए, किसी गरीब लड़की की शादी होवे, उहदे च सहयोग कर दिंदे आ, जो कि सारयां नूं करना चाहिए। जिमें कि आप भगवान जगन्नाथ फूड लाइफ है, 10 रुपए में गरीब बंदे जो रेहड़ा रिक्शे वाला जां कोई होर इस तो गरीब जनता खाना मिलता है, पेट भर खाना 10 रुपए में मिलता है, जो कि मिल नहीं सकता, तैयार भी नहीं हो सकता। ये एक संस्था जिहड़ी है कि पंजाब दे विच, समझ लो कि इंडिया दे विच ही पहले नंबर ते शुरू हुई है, जिहड़ा कि सारे गरीब आदमियों नू, गरीब लेबर नू, गरीब तबके नू, मंगण वालियां नू, भिखारियों नू, सारयां दी एक पेट भर रोटी खा सकदा, जिहदे विच 4 रोटियां, चावल, दाल, सुक्की सब्जी, ये सारा कुछ पैकिंग दे नमेत, जिहदा पैकिंग दा ही खर्चा 5 रुपए दा। ये एक लंगर टाइप भी है, 10 रुपए तो एक ये है कि इन्हां दी कोई वेस्ट ना हो, जिहदे 10 रुपए लगे उन्हों जाके मतलब स्टॉक नहीं करदा। इस करके इस तरह के कई कार्य गरीब लड़कियां के ब्याह है, उस भी लोगों को सहयोग देना चाहिए। होर मेरे वालों तो यह सारू देशवासियों यह है कि जोड़े इदा के भले के काम है गरीब लोगों, वो वो तो सहयोग देन। तो मैं अपने वालों सारे देशवासियों, सारे सज्जणों लोहड़ी दिया 26 जनवरी दिया बहुत बहुत मुबारक दिना, कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। हाँ जी, सो आप देख सकते कि 10 रुपए के रोटी, चावल प्लस सब्जी तो दाल, ये सारा पैकेज मिलता है। लेबर क्लास लिए है कि बाकियों भी? सभी के लिए जी, जो भी जरूरतमंद है हर किसी के लिए मतलब खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए कोई ऊपर नहीं नीचे नहीं, ना कोई अमीर ना गरीब, जिसको जरूरत है वो खा सकता है। ये भी पता लगा है कि ये भगवान को भोग लग कर यहाँ? जी बिल्कुल, ये श्री जगन्नाथ जी को पहले भोग लग के उनका चरणों में अर्पण करके हम खाने को जो है लोगों को देते हैं, गरीबों में बांटने का काम हम करते हैं। 10 रुपए का मात्र अनुदान लेके हम उनसे ये खाना देते हैं उनको। और सफाई का भी पूरा ध्यान रखते हैं? जी बिल्कुल, मॉडर्न किचन है हमारा, आप आपके देख सकते हैं यहाँ पे। रोजाना कितने बंदे खा जाते हैं यहाँ? रोजाना जी हमारा अभी जो है 3 बूथ चल रहे हैं, एक है बोआल में, एक यहाँ पे और एक मिनी सेक्रेटरीट के पास में। तो तीनों बूथों में हम कम से कम 500 लोगों को फीट कर रहे हैं, 15 to 2000 लोग हमारे यहाँ अभी फीट हो रहे हैं। हाँ जी, सो लवली कुमन जी मेरे नाल ने, किवें हो सर? बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। किवें लग रहा थोड़े अपने इलाके विच 10 रुपए दे विच जो भोजनालय शुरू किया गया? ये बहुत ही वधिया काम किया गया, जो गरीब लोग इत्थे आउंदे जांदे 10 रुपए च लंगर छक लैंदे आ, बहुत वड्डा उपराला जगन्नाथ यात्रा वालों ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਫਾਦਰਲੈਸ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇਈਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਟੀਆਂ ਕੰਬਲ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ। ਸੋ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾ 'ਚ? ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 60 ਮਹੀਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰਲੈਸ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੱਲੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਫੂਡ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਪਲੇਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। अक्सर आते हो यहाँ खाने? नहीं नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए जी जी। तो कैसा लग रहा है 10 रुपए में? सही लग रहा है। अच्छा है? अच्छा। तो औरों को भी रिकमेंड करोगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे।
सो आप देख सकते कि अक्सर इतने लोग आते हैं, पहली बार भी आते हैं, वो मेरे हिसाब से दूसरी बार भी आऊंगे। तो एक गल भी पता लगी है कि इतने जो पानी आ रोटी के नाल नाल साफ सुथरा पानी फिल्टर वाला भी इन्हों प्रोवाइड करवाया जाता, वो भी कोई एक्सट्रा चार्जिस नहीं है, 10 रुपये की थाली नाल फिल्टर पानी। लुधियाना से कैमरामैन विपिन अरोड़ा, सिटी होम न्यूज़।